नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। चुनावी माहौल है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। अभी बहुत कम समय बचा है, 5 तारीख को आपको वोट करना है। अभी मैं महेंद्रगढ़ से अगर बात करें, जो गाँव से होते हुए रेवाड़ी तरफ रास्ता जाता है, डुलाना मेगनवास चौक जिसे कहा जाता है, वहां पे खड़ा हूँ। और यहाँ पे आप देखें कि आगे जो ट्रैक्टर्स खड़े हैं, भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह यादव के स्वागत के लिए डुलाना में कार्यक्रम होना है। वहां पे जो भाजपा के समर्थक हैं वो सभी यहाँ पे उनके स्वागत में खड़े हैं और भारी दल बल के साथ ट्रैक्टर्स पे झंडे लगा रखे हैं और बहुत से तैयारियां डीजे के साथ, बाइक के साथ, ट्रैक्टर के साथ सारी चीजें यहाँ कर रहे हैं। अभी यहाँ लोग जो खड़े हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं या क्यों बीजेपी आनी चाहिए, वो बातचीत इनसे करेंगे। कैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, अब तो बहुत कम समय बचा है, तो बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राम किशन नाम है। नाम अपना? डुलाना है जी। डुलाना है। हाँ जी। कैसा माहौल है चुनाव का? चुनाव में जी कंवर सिंह जी तरफा बराबरी है। बराबर है? हाँ। या जीत रहा है? जीत रहे जी। किस कारण से, क्या कारण है? कारण ये है जी, बीजेपी सरकार एक ईमानदारी की छाप है जी। दूसरी बात, जो गरीब आदमी है उन सबको ये साथ लेके चलती है, किसी के साथ अनर्थ नहीं होता है, साथ लेके चलती है, साथ लेके चलती है। और सभी साइड से हम देखते हैं, इनका आंकलन निकालते हैं तो बीजेपी सरकार बहुत ही अव्वल दर्जे की सरकार है, वर्ल्ड लेवल की सरकार है, बढ़िया है। बढ़िया। तो कंवर सिंह की अगर बात करें, कंवर सिंह कैसा व्यक्ति है? कंवर सिंह बहुत ही साधारण व्यक्ति है और हर आदमी के सुख दुख में शरीक होते हैं और जो इनसे बनती है उससे 21 मदद करते हैं हमारे क्षेत्र की, हर चीज में, हर चीज में उत्तीर्ण रहते हैं। अपने गांव में कितने वोट मिलेंगे बीजेपी? अपने गांव में जी 80% वोट जाने की संभावना। हाँ जी, तो अच्छा जाएगा। अच्छा, डुलाना गांव से 80% की संभावना है। अभी स्वागत के लिए खड़े हैं आप लोग? हाँ जी, बहुत इंतजार कर रहे हैं, ये तो समय है भाई, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा व्यक्ति है वैसे, बहुत ही अच्छी व्यक्ति है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे कार्यक्रम आज जो होने वाला है? बहुत बढ़िया हो रहा है जी, सब बढ़िया हो रहा है। जीत के साथ? जीत के साथ, एक तरफा। अच्छा जी। हाँ जी, बढ़िया माहौल बना दिया। खूब बढ़िया जी, बिल्कुल। हमारा गांव को ना अड़ोस पड़ोस सब कितने, सारे गांवों में सब बढ़िया माहौल बन रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। बीजेपी बनाई हरियाणा में? बिल्कुल, हरियाणा में जी बिल्कुल, फुल मेजोरिटी के साथ। धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छा। डुलाना गांव है? गांव डुलाना है। डुलाना गांव से? डुलाना में। डुलाना गांव में बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा जी। हाँ, ऐसा माहौल पहले नहीं देखा, कभी नहीं देखा, नहीं देखा। अच्छा जी। और अब क्या, पूरा सभी जातियां, ये नहीं कि अहीर जाति, यहाँ सभी जितनी भी जातियां हैं सभी जाति इसके साथ मिलकर आ रही है। क्या कारण? क्या कारण? ये है, कांग्रेस में 10 साल में हमारे गांव में 10 आदमी ने लगे, इस 10 साल में हमारे गांव में 40 आदमी लगे, नौकरियों के तौर पर 70 के लगभग 70 आदमी लगे, सॉरी 70 आदमी बिना खर्ची, बिना पर्ची। इसके अंदर हम जाते थे, गुड़गांव जाते थे, एक बंदा हमारा दलाल साथ लेके जाता था, वो पर्ची हमारी देख के कहता था वो 4 किलो की शीलियो करवा दी है और वो प्लाट वाला क्या होगा, मैटर वो हो जाता था। अच्छा। जाते समय राव होटल पे चाय पीते थे, आते समय ओल्ड राव पे खाते थे, मतलब जाने वाले बंदे के 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते थे। और अब कहना है किसी मंत्री के पीछे डोलना, न किसी कार्यकर्ता के पीछे डोलना, बच्चे टैलेंट है वो बच्चे लग रहे, पढ़ने वाले बच्चे लगे, पढ़ने वाले टॉप क्रीम बच्चे टॉप पोस्टों पर जा रहे हैं, जैसी जिसकी काबिलियत है वो उसी हिसाब से बच्चा जा रहा है, किसी की नेता की किसी की पर्ची खर्ची नहीं चल रही इसमें, सही काम कर रहे हैं, सही काम, बिल्कुल नेक नीयत से बिल्कुल। और कंवर सिंह जी तो बहुत मतलब अच्छे, मतलब एक साधारण परिवार से बहुत अच्छे आदमी, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति। नहरी पानी का ऐसा है, हमारे किसान भाई हम भी सभी हर साल 1 पाइप 2 पाइप नीचे दुवाते थे और सीजन के अंदर 2-3 बार मोटर जल जाती थी, और इसके अंदर अब 2 साल से हर साल 2-3 पाइप निकालते निकालने पड़ते हैं, मतलब पानी का ऐसा हो गया सार्वजनिक, सभी का वाटर लेवल बहुत ऊपर आ गया, बढ़िया काम, दुगना वापिस आया, बहुत बढ़िया काम हुआ, इससे अच्छा काम। और रोडों पर
गांव के अंदर से बसें देखो, गांव के अंदर से बसें जा रही हैं। नहीं पहले महेंद्रगढ़ एक बंदा छोड़ने जाता था, शाम को आता है, घरवाले कोई नहीं रहते, एक बंदा लेने आता है। अब यहीं से सभी गाँव से बच्चे, लेडीज हो कोई हो, अपने रेवाड़ी से बैठते हैं गाँव के अंदर, घर के अंदर छोड़ते हैं। इस हाँ, इससे अच्छा और क्या होगा, जनता के लिए बहुत अच्छा है। और बीजेपी ठीक है इसका मतलब? बीजेपी ठीक है, हाँ ये है, दलाल हैं वो परेशान है, दल्ले परेशान, दल्ले इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी दाढ़ी मारी गई है, उनकी कमाई हाँ कमाई मारी गई है, प्लाटिंग बंद हो गए हैं, तो इसलिए बीजेपी वो बंदे परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, फिर बात करें। और राम राम। राम राम। ठीक सो? हाँ ठीक है। गांव कौन सपनो? गांव डुलाना। डुलाना के करो हो रहा है, दोपहर हो रहा है के करा है, बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है। हाँ, क्यों स्वागत देना है? के लिए खड़े हो? हाँ, स्वागत के लिए खड़े हो? क्यों देना है बता रहे, हाँ यही बताए क्यों देना है, ये पूछो ना क्यों देना है। जो बीजेपी ने काम किया है पूरे नौकरी कह नहीं मिला करती, जो कांग्रेस का विधायक था उसके साथ चार पांच उसके दल्ले थे, वो आदमी कैसे भी दो, वो अपने अपनी साठ गांठ से पैसे लेते थे और नौकरियां दिलाने के लिए उसको चंडीगढ़ या फिर गुड़गांव ले जाते थे। अब इस सरकार के अंदर जिन घरों में जिन लोगों के बच्चे लगे हैं, सात पिड्डी होगी उनका घर में, कोई नौकरी नहीं थी और उनका घर में ऐसी नौकरी दे सक, उनका घर में आज दिवाली थी, आगे भी रहेगी, उन बच्चों का उन माँ बाप का खुशहाल जीवन हो गया, बच्चे इतने खुश हैं कि उनको पूरा विश्वास हो गया कि अगर मेहनत करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, न खर्ची न पर्ची न नेता न वर्कर किसी की जरूरत नहीं है, मेहनत करेंगे तो नौकरी मिलेगी। ये मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये कंवर सिंह भाई की सरकार, ये हरियाणा की खट्टर साहब की नायब सैनी की सरकार, हम तो ये कहते हैं कि हम भावुक हो जाते हैं जब इस पार्टी की भाजपा की जब हम काबिलियत को देखते हैं, जो हमारे को दिया है ना, हमें अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कलयुग में ऐसा सतयुग का देवता होऊंगा और ऐसा स्वर्ग आएगा, ये हमने कल्पना भी नहीं की थी। एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, इस कलयुग में स्वर्ग पार्लियामेंट हमारी स्वर्ग है और वहाँ पर पार्लियामेंट मेंबर, खासकर बीजेपी की जो पार्लियामेंट के मेंबर एम भी है, वो हमारे स्वर्ग के देवता हैं और उन देवताओं का आशीर्वाद हुआ है कि इस कलयुग में जिसमें पाप का घड़ा भर चुका है फूटेगा, और ये इसलिए फूटेगा क्योंकि इनकी नियति, इनके कर्म ऐसे रहे हैं जो आज इनके कर्मों के आधार पर इनको सजा उन स्वर्ग के देवताओं और उस मालिक ने, भगवान ने इनको दे दी है। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारी ये बहुत ही साधारण जनता है, बहुत ही अति मेहनती है, अपना कमा के खाने वाले हैं, इनका कोई आका नहीं। मैं तो अपने दिल से और भावनाओं से पब्लिक के भावों को देखते हुए हम ये कहते हैं कि आज हमारो असली आका कंवर सिंह यादव, बीजेपी सरकार मारी आका से। महेंद्रगढ़ की जो जनता देख रही है, वो जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, उन लोगों को क्या? उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक कटोरो ले लो और गंगा जी का घाट में बैठ जाओ, कि तो पाकिस्तान में चले जाओ, नेपाल में चले जाओ, घड़ाएं देश ठल लीजिए, उठे प्लाटिंग भी हो जाएगी और उठे धंधा करो। काका माहम ने क्यों मार लाए रे, मेरी समझ में यह नहीं आई, कितने कट्टो पलाट बुरे, जो मारो शोषण है रोज है, मारे बच्चों का भविष्य का शोषण हो रहा है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, या तो भगवान ने सुन नहीं मारी। अब फरिश्ता उठे मोदी बैठ गया और यो फरिश्तो एक मार्ग ने भगवान राम को भेज दियो, मारो जीवन सुधर गो। और सच्चाई यह है, अब ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, अरे कह मैं तो यो इसे 24 घंटा यह से पैसों कट्ठा आवे, कह तरह आवे, किसी आवे, भाई वह सड़ी खाना हमने भी नहीं मिली ना, हम चक्कर में अन्न तो खान सा हुए। कंवर सिंह जी अगर बनते हैं, आप लोग वोट देंगे बनेंगे, तो क्या वो यहाँ के जो लोकल मुद्दे जैसे IMT हो गया, बस सब डिप हो गया, इस प्रकार के काम करवाएंगे? मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, और मैं कंवर सिंह भाई का क्लास फेलो भी रहा हूँ, अच्छा ये भी बता देता हूँ, मैं कम से कम 40-45 साल से कंवर सिंह यादव के साथ भी रहा हूँ। कंवर सिंह एक धरातल का आदमी है, जिसने खेत में बेचारा ने लैन भी पलटी थी, हम उरानी पलटा करता, भाई परलावल ने पलटा कर, तो मिलता जो नुको तो भाई दो लैन में का डायो तू कह काट क्या मगो मेरे यार, मार तो बिजली इन्ना आईडी में आई मेरे यार, बोले रहा है सुसरी को ना सारी रात हम तो जागु पड़ा रहे, हम तो अपना दुख सुख बतलाया करता। फिर उसके बाद इस भाई ने जो सर अपनी मेहनत और ईमानदारी और सच्चाई के आधार पर
मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ कोई सड़ा लाग लपेट नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं है लाग लपेट से, हम है ही नहीं लाग लपेट के आदमी। अगर मारो कैंडिडेट भी लाग लपेट करे तो भी हम साथ दे होता, ये भी साफ सभी का आदमी। इस आदमी ने फिर उसके बाद अपनी जिस प्रकार से मेहनत करे, एजेंसी वगैरह चलाई, और उसमें इन्होंने अच्छे कॉन्टेक्ट करे और अच्छा व्यवहार रहा, आम आदमी उसी समय जुड़ गया था। और देखो कमाल की बात, ये घर का काम करके आता, उसके बाद एजेंसी को चलाता, उसके बाद पार्टी संगठन के लिए समर्पित था। 12 बजे कई बार कहते हो कि सुभाष 12 बजे भी पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर मन कहते भाई आना है कंवर सिंह, तो मैं बोलो लैंड पलट कर मत कहा बम पड़े तो जड्डा उठे मेरे बुआ पाव से क्या इधर टेक सोट निभाई यही थी। इतनी देर में फोन आएगा संगठन को, मन रायत ने जानो पड़े बोले समर्पित व्यक्ति, हाँ आप समर्पित शब्द है मेरी समझ में वो लाग गए समर्पित, तो हड़को जाने कांग्रेस आना खातिर जाए समर्पित सी वो उपलो लगा जो देश के लिए अपनी सब कुछ और हल्का के लिए नोछावर हो जाए। आज आज मेरी भावनाएं बोल रही हैं, मैं कोई नकली लीडर नहीं हूँ, मेरी भाव बोल रहे हैं कि कंवर सिंह भाई जैसो आदमी देवता शरीफ ईमानदार सच्चा मिले नहीं गो, दुनिया ढूंढे। मैं तो उन देवताओं को पार्लियामेंट को धन्यवाद दूसूँ, अब उनने हमारे अनुसार भेज दियो, भगवान उनको भलो करे, और भी कई पीढ़ी तक राज करी अमरजात कोई बात को ना भी राज करता है। धन्यवाद अजब, कैसे हैं? ठीक है जी। क्या कहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं जी आज का कार्यक्रम तो बहुत ही अबल दर्जे का, आज तक नहीं हुआ, बिल्कुल जी बनना चाहिए। कैसा व्यक्ति है? ईमानदार, ईमानदार है तक पूरा गांव ही खड़ा है। बिल्कुल जी। वाह दोस्तों देख सकते हैं, और अमराम राम राम ठीक सो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। स्वागत में खड़े हो। हां जी स्वागत। ये बड़ा गांव वाला अच्छा आएगा। क्या कहोगे? बीजेपी दूसरी कोई पार्टी नहीं? नहीं कोई पार्टी नहीं। हां जी बोल दे। बीजेपी है। कंवर सिंह नहीं? कंवर सिंह जी सभी सारा एरिया का ही, मैंने कान सुन जी का ही बना दियो फिर कंवर बना दियो। राम जी ठीक हो? हाँ ठीक साहब। क्या कहोगे कंवर सिंह जी आने वाले हैं? कंवर सिंह आने वाले हैं, बहुत ईमानदार सच्चा नेता है, इसकी मदद करो करेंगे अवश्य जीतेगा। जीतेगा अवश्य, पक्की बात है? पक्की बात। वाह हाँ। तो मैं जिता दिया है कंवर सिंह को डुलाना गांव ने, और एक बार मैं दिखाऊं कि ट्रैक्टर जो है वो कितने यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे देखें पीछे तक जो है ट्रैक्टरों की लाइनें लग रखी है और तिरंगे झंडे लग रहे हैं। बाबूजी राम राम ठीक सो? हाँ बढ़िया। तो क्या कहोगे ट्रैक्टर अपना ये ना। तो वैसे बैठे हाँ। स्वागत बाट देख रहे हो नेताई बाट देख रहे हैं। अच्छा क्या लग रहा है जीतेगा कंवर सिंह? बिल्कुल अच्छा वोटा ही बनेगी बीजेपी फुल बहुमत से। पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। बीजेपी का यहाँ पे झंडा लगा रखा है और ट्रैक्टर पे काफी जगह ये फूल भी रखे हैं। और भी एक दो व्यक्ति से बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। बहुत बढ़िया जी। क्या कहोगे ट्रैक्टर खड़े हैं स्वागत के लिए? देखो सर ये गांव के भाव है, जिस हिसाब से गांव का जनसैलाब उमड़ा हुआ है तो ये भारी कंवर सिंह जो ना भारी समर्थन से जिताने के लिए काम यहाँ पूरे मन से सब जुटे हुए हैं। मन से कितना काम एक तरफा हो जाएगा कंवर सिंह की तरफ? देखो जी पहले मेरे से पहले भाई ने बताया था 80%, तो मैं तो कहूँ कंप्लीट काम हो जाए ना 100%, इससे बढ़िया और क्या होगा। एक तरफा ही हो जाए। बहुत बढ़िया हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत काम चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जी जी। तो दोस्तों अभी डुलाना गाँव के पास हम खड़े हैं और यहाँ पे अपने नेता के स्वागत में पूरा गाँव ट्रैक्टरों के साथ खड़ा है, बाइक्स के साथ खड़ा है, गाड़ियों के साथ खड़ा है। आप क्या सोचते हैं आपके गांव में किसके वोट हैं, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा महेंद्रगढ़ का विधायक और कौन करेगा महेंद्रगढ़ का विकास? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार की चुनावी जो चर्चाएं हैं या चुनावी लोगों से बातचीत है, चुनावी जो सभाएं हैं, उनके लिए लगातार बने रहे इंडिया न्यूज 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।